बगाना थाना क्षेत्र के चमड़ा कारखाने के समीप व्यापारियों के गोडाउन में चोरों ने धावा बोला है। एक साथ कई गोडाउन के ताले चोरों ने चटकाए हैं, जिसमें लाखों का माल देर रात्रि अज्ञात चोर ले उड़े, जिसकी शिकायत व्यापारियों ने बगाना थाना पर कराई है, जिसके बाद बगाना पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मांगीलाल भंसाली के गोडाउन से 4 बोरी पोस्ता चोरी हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं पास के गोडाउन से 1 लैपटॉप चोरी हुआ है। वहीं अन्य गोडाउन के ताले भी टूटे गए हैं। फिलहाल बगाना पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। 5-6 गोदामों के ताले तोड़ के और एक गोडाउन में तो अपने ऑफिस से लैपटॉप वगैरह ले गए हैं, और बाकी भंसाली जी के यहाँ से पोस्ते 5-6 बोरी पोस्ते, 4-5 बोरी कितने पोस्ते वो बता रहे हैं, वो सारे ले गए। 5-6 गोदामों के ताले तोड़े अपने यहाँ से, तो केवल एक आध लैपटॉप है, बाकी तो ऑफिस में से कोई विशेष चीज नहीं पड़ी थी, बाकी भंसाली जी के यहाँ से ले गए। गोदाम में से चोरी हो गया है, करीब वजन 280 किलो होगा। रात को चोरी हुआ, ताले टूटे हुए मिले, सुबह देखने गए तो 4 बोरी पोस्ते गए। नहीं, पुलिस उसने, पुलिस क्या करे, पुलिस क्या करेगी, पुलिस को जब रिपोर्ट, आज सुबह रिपोर्ट लिखाना है, हम पुलिस ने रिपोर्ट लिख दी, पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम जांच कर रहे हैं, पता लगा लेंगे। 4 बोरी के लगे समझ लो आप, 2 लाख रुपए समझ लो, 2.5 लाख समझ लो, जो भी है। गोडाउन में कलिंगड़ी मस्जिद के पीछे गोडाउन है, काफ़ी पंजाब है, तो वहाँ जो है चोरी हो गई है, तारे टूट गए, वहाँ देखने भी गए थे, तो वहाँ एक तो रात में ना तो कैमरे हैं वहाँ, और ना तो वहाँ कोई लाइट आइट की व्यवस्था है रात में, तो उनको सबको समझा दिया है कि भाई वहाँ लाइट की भी व्यवस्था करें, क्योंकि आने वाले बरसात के समय में वहाँ अंधेरा भी रहता है, और चौकीदार की भी व्यवस्था करें, जिससे वहाँ ग्रस्त और अपना भी तरफ से हम लोग ग्रस्त और बढ़ा रहे हैं। और करीब 4 बजे बता रहे हैं चोरी जाना, तो उसको देखो वो मालूम करवा दो, उसको जल्दी जल्दी करवा जाए। नीमच से दीपक अदावे की रिपोर्ट।